हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टूरवेल में। आप लोग सोच रहे हैं आज हम कहाँ निकले हैं घूमने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं एक्चुअली इंदौर में नहीं हूँ, इंदौर से बाहर अपने नेटिव प्लेस घर बिहार आया हुआ हूँ, बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम यहाँ से अपने घर से पूर्णिया जा रहा हूँ सिटी की तरफ, तो सोचा कि घूम के आते हैं, जरा आप लोग को भी दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या कैसा है। तो पीछे हरियाली दिख रही होगी आपको अच्छी खासी, अभी बारिश का मौसम भी है तो बारिश एक्चुअली यहाँ पे हो नहीं रही है। तो हम लोग अभी निकले हुए हैं घूमने के लिए सिटी। सिटी आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूँ, सिटी जो कि काफ़ी फेमस प्लेस है पूर्णिया में, वहाँ पे क्या है कि काली जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना काली जी का विख्यात मंदिर है, जहाँ पे कि लोग यहाँ से जाते हैं, बहुत लोगों का मान्यता रहता है वहाँ पे जाके अपना मन्नत भी मांगते हैं, जो पूरे होते हैं वापस वहाँ पे जाते हैं। तो आज हम लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे, काली मंदिर जाएंगे, सिटी जो कि सिटी जगह प्लेस का नाम है वहाँ पे, जो कि अपना टेम्पल है काली जी का, और जो है कि वो नदी भी बहती है उसके सामने से, जो कि कोसी नदी है, जो कि हमारे बिहार में बहुत फेमस है कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। वो कोसी नदी का जो धारा है वहाँ से बहती है, तो उस नदी के किनारे ये सिटी जो है कि है, वहाँ पे ये मंदिर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले हुए हैं, तो यहाँ से अभी चलते हैं आगे, देखते हैं फिर वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपको एक्सप्लोर कर पाते हैं, दिखाते हैं मंदिर वहाँ, नदी जाके नहाएंगे भी अगर हो सके तो, अगर टाइम मिला तो। फिर बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में अंत तक। अगर इस वीडियो को भी आप नया देख रहे हैं, कोई नया चैनल पे आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में सबको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उनको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी ऐसे अच्छे वीडियोस बना के आगे आप लोगों के लिए आ सकूँ। और भी पूर्णिया में मैं काफ़ी दिन हूँ यहाँ पे, तो और भी आगे कुछ वीडियोस बनाएंगे पूर्णिया में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, है ना। जो भी बिहार के लोग अगर इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना पाऊँ। तब तक के लिए बने रहिएगा अंत तक, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, धन्यवाद। तो आइए चलते हैं, ये हाईवे है NH 31, जहाँ से ये रास्ता जाता है। हम आगे आपको और बताएंगे कि कहाँ कहाँ से सिटी पहुँच सकते हैं, पूर्णिया के किस किस इलाके से अगर सिटी पहुँचना है तो कैसे पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इस NH 31 से निकले हुए हैं। अभी सिटी पहुंच चुके हैं, ये मैंने यहाँ पे अपना एक गाड़ी लगा दिया है, और ये जो पीछे देख पा रहे होंगे यही है सिटी का वो काली मंदिर, जो कि काफ़ी विख्यात है, जो कि हम लोग आज यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देख पा रहे हो आप पीछे है, हम लोग अंदर भी जाएंगे और जो वहाँ घाट है, घाट में नहाएंगे भी और वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे यहाँ का पानी नहा के कैसा मज़ा। मैंने तो काफ़ी बार यहाँ पर नहाया हूँ, क्योंकि मैं हर बार बार आता रहता हूँ। हम लोग के यहाँ पर दिवाली होती है, छठ होती है, तो छठ पूजा में भी हम लोग यहाँ पे ही नहाने के लिए आते हैं, ऐसा मान्यता है यहाँ पे। ये पानी भी बहुत ही शुद्ध और वो क्या बोलते हैं, पाप धोने वाला है, जैसे गंगा नदी में लोग नहाते हैं, तो हम लोग इनको गंगा मान के ही कोसी में नहाते हैं। तो ये जो मंदिर है इसके अंदर भी जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं कि अंदर मंदिर में क्या क्या है ना। तो मिलते हैं आगे।
फ्रेंड्स, तो अभी इस कोसी नदी के किनारे सिटी में है, तो हम लोग अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए इस नदी में। काफ़ी टाइम बाद, लास्ट टाइम अक्टूबर में जब आया था दिवाली के टाइम, तो यहाँ पे नहाया था। अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिया है, अब मैं जाऊँगा नहाने के लिए। पानी ज़्यादा तो नहीं है, अभी पानी कम है क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई पूरी तरीके से, तो अभी पानी बढ़ा नहीं है। तो अभी धीरे धीरे पानी इसमें बढ़ता जाएगा। काफ़ी जो अभी आप ये जगह देख रहे हो, ये सब पूरा यहाँ पे पानी फुल हो जाता है, वहाँ ऊपर तक चला जाता है, पानी पूरा रहता है वहाँ तक पानी। ये इधर पुल है और मेरे साथ मेरा भांजा भी है, वो भी जाएगा नहाने के लिए। ये भी इधर रेडी है, बोलो यो है ना। तो अभी हम लोग जाएंगे। तो एक वो मैं बता देता हूँ कि जो सिटी है पूर्णिया में, यहाँ पे कहाँ कहाँ से पहुँचा जा सकता है। अगर आप 0 माइल साइड से आते हो, तो आप 0 माइल से आते हो तो आपको नज़दीक पड़ेगा कि 0 माइल से आगे आओ गुलाबाग, गुलाबाग से जस्ट आगे आओ सोनोली चौक, सोनोली मोड़ से एक रास्ता अंदर आती है इधर सिटी की तरफ, तो वो रास्ता ले लो तो आप जल्दी पहुँच जाओगे इधर। अगर आप पूर्णिया साइड से सिटी, पूर्णिया सिटी से आते हो, तो आप जो है कि यहाँ पे लाइन बाज़ार से, जब ये नहीं लाइन बाज़ार के ये पीछे जो पंचमुखी मंदिर है, वहाँ से एक रोड अंदर आती है रामबाग की तरफ, और रामबाग से आप अंदर इधर आ सकते हो। तो ये वाला जो रोड है, ये पुल, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके आती है सिटी, काली मंदिर है ना, इधर से आ सकते हो। अगर आप कस्बा साइड से आते हो, तो कस्बा से आसान रोड है डायरेक्ट, वो इसी इस रोड से होके गुजरती है वो रोड, तो आप कस्बा साइड से भी यहाँ पे आ सकते हो 0 माइल से, कस्बा से चाहे सिटी से कहीं से भी, बहुत नज़दीक में ही है, 4-5 किलोमीटर है मेन रोड से यहाँ पे, है ना। यहाँ से रेलवे ट्रैक भी गुजरती है पास में से यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पे। अगर आप लोग आओ मंदिर में पूजा करो, उसके बाद यहाँ पे नहाओ। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, है ना। हेलो, नहा रहा हूँ मैं नहा रहा हूँ ले ले। ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो गाइस नहा लिए हैं, अब अच्छा लग रहा है। अब अंदर मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे पूजा करेंगे, अंदर मंदिर जाएंगे। इसने भी नहा लिया है, अभी ड्रेस चेंज कर रहा है। अब चलते हैं मंदिर। चलिए मंदिर घूम के आते हैं। ये मेरे हाथ में है। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो चलिए। और पास करने तो आवाज आएगा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो आप देख सकते हैं इधर हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो इधर ज्यादा हिलाना नहीं, फिर रखना मोबाइल।
ऐसे मुंह में रख के आवाज नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा तब वहाँ पहुँचेगा। हाँ पता है पता है। ऐसे अपने मुंह में थोड़ी बोल रहा है ना। तो उधर हम लोग का स्कूटी है वहाँ पे, और जोर। हाँ तो उधर हम लोग का स्कूटी है वहाँ पे, तो अभी हम लोग चप्पल खोलेंगे यहाँ पे। बैक मैं कैसे खोलूँ? जोर से बोलो। हाय गाइस, हाय गाइस, चलिए आइए इधर। उसके बारे में बताओ ना, शिव जी का है ये, भोलेनाथ का है मंदिर है। यहाँ पे दो मंदिर है, भोलेनाथ का है उधर, काली जी का है। तो गाइस यहाँ पे दो मंदिर है, फ्रेंड्स तो मैंने मंदिर का विजिट कराया, वो मंदिर भी है, एक मंदिर ये है। तो ये वाला जो है कि शंकर जी का है, यहाँ
पे शिव जी का शिवलिंग है जिसपे कि हम जल चढ़ाते हैं, और जो वो वाला मंदिर है वो काली जी का मंदिर है, उसमें काली जी का पूजा होता है। वहाँ पे बलि दिया जाता है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मैं पास लेके जाता हूँ। जो दुर्गाष्टमी आता है और फिर जो उसके बाद वहाँ पे जो काली जी का जो पूजा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे बलि चढ़ाते हैं। यहाँ पे ये देख पा रहे हो, यहाँ पे भी फूल माला चढ़ते हैं, यहाँ पे ही बलि दी जाती है, जो बकरे होते हैं उसकी बलि चढ़ती है यहाँ पे। और ये वाला शिव जी का मंदिर है, और ये जो है कि काली जी का मंदिर है। काफ़ी पुराना, काफ़ी सालों पुराना मंदिर है ये, और काफ़ी मान्यता रही है इस मंदिर की यहाँ पे पूर्णिया में। ऑलमोस्ट जो भी लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, आसपास के हैं, वो यहाँ पे ज़रूर कभी ना कभी आते हैं। जो भी उनके मान्यता रहती है वो यहाँ पे उसका पूर्ण होती है। एक पूर्णिया जिसके नाम पे रखा गया वो पूरन देवी मंदिर है, पुराना देवी बोलते हैं उसको, तो पुरान देवी के नाम पे पूर्णिया रखा गया था इस सिटी का नाम। तो पुरान देवी मंदिर भी है, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी विख्यात है, वहाँ भी मैं जाऊँगा। अभी तो नहीं जा पाऊँगा, नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाऊँगा, वो मंदिर भी विजिट करेंगे, वहाँ भी देखेंगे वहाँ भी क्या कैसे है। तो आज का ये ब्लॉग सिटी काली मंदिर के लिए था, तो मैंने पूरा ये काली मंदिर दिखाया आपको, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे जगह पे, अच्छे प्लेस पे, एक नए सफ़र के साथ में। आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं इस काली मंदिर का। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, विज़िट कीजिएगा पूर्णिया में। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स में सबको शेयर कर दीजिएगा। और तब तक बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में, जो भी नई वीडियोस आएगा ज़रूर आप लोग देखिएगा, अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।